नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको दिखाया था चित्र देखकर वाक्य पूरे करें। आज हम सीखेंगे चित्र देखकर उनके सही शब्द को लिखना। आप दो अक्षर के शब्द सीख चुके हैं, तो देखिए अब शुरू करते हैं हम अपने आज का हिंदी सेशन, जिसमें करेंगे हम चित्र देखकर सही शब्द लिखना। पहला चित्र है हमारा, बताइए क्या है ये? पहला चित्र है घर। तो इसके लिए हमें कौन कौन से अक्षर चाहिए? घ, र, घर। दूसरा चित्र है हमारा खत, जिसे आप चिट्ठी भी कहते हैं। तो दूसरा चित्र है हमारा खत, ख, त, खत। तीसरा चित्र है हमारा, बताइए आपको पहचान करनी है जी, तीसरा चित्र है हमारा बस, जिसके लिए आपको चाहिए ब अक्षर और उसके बाद ब स, बस, ब स बस। अगला चित्र है हमारा, बताइए क्या है ये? ये है हल। तो इसके लिए हमें अक्षर चाहिए ह, ल, हल। हमारा अगला चित्र है, देखिए आपको एक टोकरी दिख रही है जिसमें कुछ क्या है? ये है फल। एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे फल हैं, तो ये है, इसके लिए चाहिए हमें फ, ल, फल। तो बन गया हमारा फ, ल, फल। अगला चित्र बताइए ये क्या है, कोशिश कीजिए, जिससे आपके मम्मी पापा चाय पीते हैं, जिसमें इसे क्या कहते हैं जी? बहुत से बच्चों ने इसे पहचान लिया होगा, ये है कप। तो इसके लिए हमें अक्षर चाहिए क, प, कप। तो बच्चों आपको इसी तरीके से ये काम अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। इसके लिए आप अपने चित्र अपने बड़ों की हेल्प सहायता से बनवा सकते हैं। आप उनको बोलकर इस तरीके से अपनी कॉपी में चित्र बनवाएं और उनको देखकर सही शब्द लिखें। आप दो अक्षरों से बनने वाले और भी चित्र बनवा सकते हैं, जैसे कि खग, नल, जग, टब। आप और भी अलग अलग चित्र बनवाइए और उनमें उन्हें पहचान कर सही शब्द वहाँ पर लिखिए। बहुत सारे चित्र आप बनवा सकते हैं इसी तरीके से। पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना हिंदी का काम करें तो पहले उस पर डेट ज़रूर डालें। आप इनके इन चित्रों के अलावा भी अन्य चित्र बनवा सकते हैं, कुछ का मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कि जग, टब, नल। इस तरीके से आप अपने बड़ों से कहकर, अपने माता पिता से कहकर चित्र बनवाएं और सही शब्द लिखकर अभ्यास करें। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की पाठशाला। अगली हिंदी की पाठशाला में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इन सही शब्दों का सही उच्चारण भी सीखें और इन्हें सही लाइनों में लिखने का अभ्यास करते रहें। बाय बाय।